क्वेश्चन नंबर 10, एसेट की कॉस्ट है 12,000, एस्टिमेटेड लाइफ 4 इयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 1,000 है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इसमें क्या हुआ, द बिजनेस डिसाइडेड आफ्टर 2 इयर्स दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, एंड इट स्टिल हैज 5 मोर ईयर्स इन यूज टू कम, मेकिंग इट्स टोटल लाइफ 7 इयर्स। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। अच्छा, वो क्या लाइफ हमने एस्टिमेट की थी कितनी, 4 ईयर, लेकिन 2 इयर्स यूज करने के बाद हमें पता चला कि हमने लाइफ अंडर एस्टिमेट की थी और अभी भी एसेट 5 ईयर और यूज हो सकता है, तो टोटल लाइफ हो जाएगी 7 साल, ठीक है। अब हमें फर्स्ट 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा, देखिए इसमें चेंज कब आ रहा है, एस्टिमेट हमारा चेंज हो रहा है 2 इयर्स के बाद हमें पता चला है, तो फर्स्ट 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन तो हम कैलकुलेट करेंगे 4 इयर्स की बेस पर, 4 ईयर लाइफ रहेंगे, फिर 3rd ईयर से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो 3rd ईयर से डेप्रिसिएशन रिवाइज होगा, नहीं पहले तो ईयर 1, ठीक है, ईयर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर 1 ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस्ट है 12,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, लाइफ 4 इयर्स, ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 2,750 का। अच्छा, ईयर 2 में भी सेम रहेगा, ईयर 2 में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये भी सेम रहेगा, ठीक। अच्छा, 2 इयर्स यूज करने के बाद 3rd ईयर में हमें पता चला है कि हमने लाइफ अंडर एस्टिमेट की थी और अब भी हमारा एसेट 5 ईयर और यूज हो सकता है, ठीक। तब क्या होगा, ईयर 3 से डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, राइट। एस्टिमेट जिस ईयर से चेंज होता है उसी ईयर से वो अप्लाई किया जाता है, अब हमारा डेप्रिसिएशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, पहले तो आप लोग बताएं, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होना चाहिए, क्या लिखू, 12,000 लिखू। अच्छा, एक मिनट, अच्छा कॉस्ट क्या लें, 12,000, अच्छा माइनस क्या करूं, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड, अच्छा दोनों दोनों कर दें, 7 से क्या आंसर आ रहे हैं, 7 से आ रहा है 1.57, राउंड ऑफ करते हैं बस, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें लाइफ लेते हैं 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, और कोई आइडिया बताएं क्या हो सकती है कैलकुलेशन, और कोई आपके ख्याल में, सोच रहा हूँ 5 साल क्या करना है बोले, एक मिनट क्या करूं, इधर बताएं, हाँ क्या लिखूं, किस में से माइनस करूं, 12,000 में से, अच्छा यहाँ लिखूं 12,000, ठीक है, माइनस करें 2 साल की डेप्रिसिएशन 2750, 2750, ठीक है, अब क्या बचेगा, माइनस करके क्या बचा, पहले माइनस करके क्या बचा है, 55 आ गया। अच्छा, अब यहाँ लिखते हैं ना, अच्छा आप कह रहे हैं क्या करें, यहाँ कॉस्ट 12,000 की जगह 500 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 7, अच्छा दोनों लिख ले, 7 से क्या आंसर आ रहे हैं, आंसर बताएं, 785, पर राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, चले। तो इसके बाद आप एक और आंसर क्या, आपने क्या कहा, सजेशन है कि 6,500 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, आप बताएं, ठीक, इसमें से करेक्ट आंसर 1 है, 3 गलत,
बातों पर सारे गलत होते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है 1100। ठीक है, अच्छा नहीं सर, ये देखिए कब से बोला 777। आप समझ लें इसके रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, समझाता हूँ। देखिए ये हमारा एसेट है, एसेट की कॉस्ट है 12,000 ना, स्क्रैप वैल्यू कितनी है ये तो जब हम एसेट डिस्पोज करेंगे फाइल आज, ठीक है, तो हमें 1000 मिल जाएंगे ना, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बनेगा, होल लाइफ कितनी है 7 ईयर, 7 ईयर के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 11,000 होना चाहिए। ठीक, अब हम इसे किसी भी मेथड से डेप्रिशिएट करें, कोई भी परसेंटेज लगाएं, 7 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11,000 होना चाहिए, ना उससे कम ना ज्यादा। अब चेक करते हैं। अच्छा देखिए, अगर ये पहले वाली कैलकुलेशन है ना, ईयर वन का कितना था 2750 प्लस 2750, इसमें मजीद कितना ऐड करेंगे 1571, कितने ईयर तक चार्ज होगा 5 साल, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका सम करके बताएं क्या बन रहा है, 11,000 से ज्यादा आएगा ये, करें कितना बन रहा है बताएं, मल्टीप्लाई करें फिर प्लस कर लें दोनों को, 300 गलत हो गया आंसर, 11,000 आना चाहिए, 13,000 आ रहा है, कॉस्ट से भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसमें क्या होगा, वही हम लेंगे 2750 प्लस 2750 प्लस, अभी 2200 5 ईयर तक चार्ज होगा ना रिमेनिंग लाइफ में, इसका टोटल करें 16,500, ये और ज्यादा हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें 2750 प्लस 2750 प्लस, अब 785 इंटू 5, 9425, एक मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊं, 9494, ये भी नहीं होगा, 11,000 लाना है ना। सो लास्ट वाले में देखते हैं, 2750 प्लस 1100 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 11,000। ठीक है, अच्छा तो आंसर क्या आएगा 11,000, थोड़ा समझा देता हूँ। एसेट हमने यूज किया था 2 ईयर्स ना, इसकी कॉस्ट क्या थी 12,000 कॉस्ट थी, 2 ईयर्स हमने यूज किया तो ये 5,500 से डेप्रिशिएट हो गया। अब इसकी बुक वैल्यू क्या रह गई 6,500, अब 6,500 को फर्दर डेप्रिशिएट करना चाहिए या 12,000 को, 12,000 में से 5,500 का तो डेप्रिशिएट हो चुका है ना 2 साल में, अब बुक वैल्यू रह गई 6,500, तो फर्दर हम 6,500 को डेप्रिशिएट करें या 12,000 को, 6,500 को डेप्रिशिएट करेंगे ना, क्योंकि 12,000 में से 2 ईयर्स में 5,500 से डेप्रिशिएट हो चुका है, तो फर्दर 6,500 को डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और लाइफ क्या लेंगे, सात तो नहीं बची, नहीं है बची, 5 साल है, क्या लिखा है, इट स्टिल हैज 5 more years इन यूज टू कम, स्टिल हैज 5 more years, तो 5 साल और चलेगी ना, 7 तो ऐसे बन रहे हैं 2 साल यूज कर चुके हैं, 5 साल और यूज होगी तो टोटल 7 साल हो गई, 7 साल और नहीं चलेगी अभी, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है 7 ईयर्स, 5 साल 5 ईयर, 2 ईयर गुजर चुके हैं तो टोटल 7 इस तरह बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा देखें, इसमें क्या हुआ, हमारी लाइफ रिवाइज हो रही है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला होगा कॉस्ट की जगह हम लेंगे नेट बुक वैल्यू, अच्छा माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इस एस्टिमेटेड लाइफ की जगह रिमेनिंग लाइफ आ जाए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो फॉर्मूला आपकी वैल्यूज आ गई 6,500 माइनस 1,000 अपॉन 5, 1,100 आ जाएगा थर्ड ईयर का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर थर्ड ईयर से ऑनवर्ड्स 1,100 पर ईयर चार्ज करेंगे। ठीक, क्लियर, यानी कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स और सेवेंथ ईयर में 1,100 पर ईयर चार्ज होगा, जैसे ये थर्ड ईयर हो गया तो फोर्थ ईयर में भी 1,100 ही चार्ज होगा। ठीक है, 11, 11, 11, 11, 5 साल तक। ठीक है, क्लियर, ओके, अब इसको कॉपी कर लें।